सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त विनय जाधव। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द स्ट्रेंजर विनय में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ, आपको पता ही चल रहा होगा बैकग्राउंड पे मेरे कौन सी गाड़ी खड़ी है। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ 2020 मॉडल हॉर्नेट, होंडा हॉर्नेट। जी हाँ, मैं करने वाला हूँ आज होंडा हॉर्नेट का रिव्यू, जो है स्पेशल एडिशन ऑरेंज कलर में ABS मॉडल। तो वीडियो आगे देखने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए मेरे वीडियो को। अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए। तो करते हैं कंटिन्यू आगे की वीडियो। चलिए सीबी हॉर्नेट, जिसका मैं आज मैं फुल रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो में, कि आपको इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या नहीं मिलते हैं। ये पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन इस वीडियो को देखने के पहले मेरे चैनल को लाइक करिए और सीजिए, ताकि मेरी आगे जो वीडियोज आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आगे की वीडियो चालू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो कैमरामैन जरा पास में आइए। तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 162.71 cc का इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 15.7 BHP का पावर 8500 RPM पे। और इस गाड़ी के जो पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है वो है 12 लीटर की, 12 लीटर की इस गाड़ी की कैपेसिटी है पेट्रोल कैपेसिटी। और इस गाड़ी में आपको मिलता है मोनो सस्पेंशन मिलता है और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। और इस गाड़ी में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और इस गाड़ी में आपको ABS मॉडल भी मिलता है और विदाउट ABS मॉडल भी मिलता है। जैसे आपको पैसे खर्च करने हो तो ABS ले सकते हैं, लेकिन ABS अच्छा रहता है, मतलब ABS बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए और सेफ्टी के लिए। आपको इस गाड़ी में मिलते हैं 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स, जो इस गाड़ी के लिए सूटेबल है। सो इस गाड़ी में आपको मिलता है कार्बोरेटर इंजन, जो आता है 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ, जो है एयर कूल्ड। इसमें आपको क्लच मिलता है वेट मल्टीपल वाला। तो इस गाड़ी में आपको मिलता है फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे में ड्रम ब्रेक मिलता है। देख सकते हैं आप, पीछे में ड्रम ब्रेक है, देख सकते हैं, और आगे में डिस्क ब्रेक है। इस गाड़ी का फ्रंट व्हील साइज है 17 inches और रेयर व्हील साइज भी 17 inches है। और फ्रंट टायर का साइज है 100x80.17 और रेयर का भी उतना नहीं है, रेयर का है 140, एक मिनट देखने दो, 140x70.17 इसका पीछे के टायर का ये है साइज। आपको दोनों टायर्स ट्यूबलेस मिलेंगे। और जो व्हील टाइप है वो अलॉय व्हील से, देख सकते हैं अलॉय व्हील से दोनों में। और ये हॉर्नेट का स्पेशल एडिशन है ऑरेंज कलर का। इस गाड़ी में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और पीछे में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। देख सकते हैं आप, ये नीचे अंदर में दिख रहा होगा आपको, रेड कलर का मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर की। और रिजर्व, जब ये गाड़ी रिजर्व लगती है तब इस टैंक में फ्यूल होता है 1.5 लीटर्स का। और ये आपको कंपनी माइलेज क्लेम करती है 48 किलोमीटर पर लीटर की। अब जो इसका ओनर है वही अच्छे से बता पाएगा कि कितना माइलेज देती है गाड़ी करके। सो इस गाड़ी की है टॉप स्पीड 110 किलोमीटर की टॉप स्पीड ये गाड़ी देती है। सो मैं अभी आपको इस गाड़ी का मीटर कंसोल दिखाता हूँ। ज़रा कैमरामैन आइए इधर। इस गाड़ी का मीटर कंसोल देखिए, फुल्ली डिजिटल है। इसमें आपको मिलता है एक टैकोमीटर जो RPM बताता है, एक स्पीडोमीटर है, और यहाँ पे टोटल बताता है कितना
गाड़ी रनिंग चली है, अब तक ये गाड़ी चली है 1500 किलोमीटर चली है। और यहाँ पे आपको न्यूट्रल का दे रहा है, दे रखा है, यहाँ पे ABS ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पे अपर डिपर का दे रखा है, और आजू बाजू दोनों साइड में, दोनों साइड में इंडिकेटर बटन दिए गए हैं। ये गाड़ी में आपको टाइम भी बताता है, देख सकते हैं अभी 3:13 हो रहा है, और इधर साइड मिलता है आपको फ्यूल इंडिकेटर, और ये जो दोनों साइड बटन दिए गए हैं वो टाइम और ट्रिप सेट करने के लिए रखे हैं। ये देखिए, ये एक बटन है और ये एक बटन है, ये दिख रहा होगा आपको, और ये है इग्निशन। इस तरीके से चाबी रहती है इस गाड़ी की, हॉर्नेट की, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और एक मज़े की बात बताओ, आपको इस गाड़ी में पार्किंग लाइट भी मिल रहा है, देख सकते हैं आप, इधर आइए, ये देखिए, ये जो बटन है, ये जो बटन है इसको इधर करें तो पार्किंग लाइट ऑन हो जाती है। ये देखिए, दोनों तरफ के इंडिकेटर जल चुके हैं, ज़रा दिखाइए सबको आगे से, ये दोनों इंडिकेटर दिखाइए, देख सकते हैं दोनों दोनों इंडिकेटर एक साथ चालू है, मतलब चारों इंडिकेटर एक साथ चालू है आगे पीछे के। यहाँ आपको अपर डिपर का बटन मिलता है, यहाँ पासिंग का, ये पासिंग का बटन है, और ये टर्न इंडिकेटर्स के बटन, ये टर्न इंडिकेटर का बटन है, ये राइट, ये लेफ्ट हो रहा है, और ये अभी राइट, और ये है हॉर्न का बटन। कंपनी ने बड़ा तगड़ा वाला हॉर्न दिया है। कंपनी ये क्लेम करती है कि गाड़ी चलाते वक्त कितना भी झुका लो, लेकिन नहीं, ये कंपनी क्लेम करती है। अब तो राइडर को ही पता चलेगा कि नहीं, क्या गाड़ी गिरती है या नहीं। मैंने तो चलाया नहीं हूँ ये गाड़ी, अभी चलाएगी इस गाड़ी को भी अपन। आगे कंटिन्यू रहिए वीडियो में, ताकि और इंफॉर्मेशन और गाड़ी कैसे चलती है उसका भी। अभी आते हैं इस गाड़ी के फ्रंट व्यू पे। इस फ्रंट व्यू में आपको मिलते हैं हेडलाइट, जो है LED, जी हाँ LED, जो गवर्नमेंट ने पहले बैन कर चुके थी, लेकिन अभी फिर से गाड़ियों में आ रहे हैं LED, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया है, जिसके कारण अच्छा व्यू आता है रात में। रात में जब गाड़ी चलाते हैं तब कॉन्फिडेंस आता है LED होने के कारण। इस तरीके से इस गाड़ी का फ्रंट व्यू, जो बहुत मस्कुलर लगता है, और जब राइडर चलाता है इस गाड़ी को तब बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये गाड़ी मस्कुलर है जब चलाते हैं तब अच्छा लगता है गाड़ी चलाने वाले को, बहुत पावरफुल गाड़ी है ये चलाने में। अभी आते हैं इसके बैक व्यू के तरफ। देख सकते हैं आप इसका बैक व्यू, ये है बैक लाइट, जो एक्स बना हुआ है बैक लाइट पे, जो बहुत प्यारा लगता है जब रात में ये चमकता है, मतलब कि ब्रेक दबते हैं रात में तब ये बहुत उठ के दिखता है, अच्छा दिखता है। और ये साइड व्यू, साइड व्यू में आपको ये चोक मिलेगा, यहाँ पे ये चोक है, देख सकते हैं आप, यह है इस तरीके का साइड व्यू इस गाड़ी का। गाइस, मैं आपको इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट बताता हूँ कैसा है इस गाड़ी का साउंड। आइए पहले इस गाड़ी को न्यूट्रल करना पड़ेगा हमें, एग्जॉस्ट के पास ले जाइए अपना माइक। इस तरीके का इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट, आपको कैसा लगा वो मुझे बताइए। ये रही होंडा की सीबी हॉर्नेट, जो होंडा की मसल बाइक भी है, जो चलाने में बहुत पावरफुल है। अगर आपकी कुछ क्यूरीज हो इस बाइक के बारे में तो मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछिए, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो पूरा कर रहा हूँ यहीं पे। थैंक यू गाइज़।